जय जीवदानी। प्रभा साक्षी के दर्शकों को कामनी खन्ना का अभिवादन। आप सब कैसे हैं? आपके लिए फिर से एक बार 15 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक का ब्योरा लेकर आई हूं मैं एस्ट्रोलॉजिकल। एक बात समझ लें कि ये लीप ईयर है, और आइए हम जानते हैं इन 14 दिनों में होने वाली घटनाएं सबसे पहले, उसके बाद हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। तो 15 तारीख को है कालाष्टमी, मासिक कालाष्टमी। इसी दिन श्री गजानन महाराज प्रकट दिन है। महाराष्ट्र में एक जगह है शेगांव, वहां पर यह उत्सव मनाया जाएगा। 17 को श्री रामदास नवमी मनाई जाएगी, ये उत्सव भी महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। इसके बाद उसी दिन बुध वक्री होने वाले हैं, तो मिथुन और कन्या राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना, और बाकी राशि वालों को क्या असर होगा ये मैं बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य कुंभ के हो चुके हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 19 तारीख को विजया एकादशी है, और इसी दिन सूर्य शतभिषा नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य शनि से तो मुक्ति पा जाएंगे, लेकिन फिर से राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने से बेचैनी कायम रहेगी। अब 20 तारीख को मासिक प्रदोष है, 21 तारीख को महाशिवरात्रि पूजन है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। कैसे की जाती है ये पूजा आप जानते हैं, शिव जी को सबसे पहले जल चढ़ता है, उसके बाद पंचामृत, उसके बाद दुग्ध मिश्रित जल या सिर्फ दूध, उसके बाद दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाते हैं, उसके बाद जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, फिर चंदन चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, इसके साथ ही आप चढ़ा सकते हैं 5 अनाज, सफ़ेद फूल, और आप चढ़ा सकते हैं शिव जी को सात्विक भभूति, और आप अर्पित कर सकते हैं शिव जी को हल्दी कुमकुम भी अगर कोई विशेष प्रयोजन हो। इसके साथ आप अर्पित कर सकते हैं नारियल और केला या खीर, और आरती में आप कपूर के साथ आरती कर सकते हैं शिव बाबा की। सफ़ेद वस्त्र और जनेऊ भी चढ़ता है शिव बाबा को। तो ये महाशिवरात्रि का विशेष पूजन मैंने आपको समझाया, कई लोग इसमें व्रत उपवास भी रखते हैं। अब 22 तारीख को अमावस्या है शाम 7:10 तक। जिस दिन महाशिवरात्रि है उसी दिन बुध का शाम को अस्त हो जाना निश्चित है, और 23 तारीख को दर्श अमावस्या कंटिन्यू करेगी रात के 9:01 तक। मतलब अमावस्या लगी 22 तारीख को 7:02 के बाद, और उसके बाद अमावस्या खत्म हुई दूसरे दिन 9:01 तक। अब आप ये जान लें कि अमावस्या शिवरात्रि के बाद ही आती है। 25 तारीख को चंद्र दर्शन होंगे, और 27 तारीख को है विनायक चतुर्थी। 28 तारीख को शुक्र मेष में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च के शुक्र चल रहे थे और उच्च के शुक्र बदल जाएंगे 28 तारीख को और मेष में प्रवेश कर जाएंगे। और इसी तरह आपको होने वाली सारी घटनाओं का ब्यौरा मैंने दे दिया है। आइए अब जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। इस साल में जितने भी ग्रह बदलने वाले हैं उनमें से ये जो एक समय है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उच्च का शुक्र है, स्वग्रह ही गुरु है, स्वग्रह ही शनि है, सूर्य निकल चुके हैं सूर्य शनि युति से, और सिर्फ बुध वक्री हैं। तो हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि आपके लिए महालक्ष्मी योग बना हुआ है, पैसे आएंगे, आपकी यात्राओं में आपको बिजनेस का लाभ होगा, काम बढ़ेगा आपका, और बुधादित्य योग होने के कारण आपके पैसे भी आने के आंशिक योग बनेंगे, विदेश रिलेटेड कारोबार बनेंगे। वृषभ राशि, आपका मनोबल बहुत बड़ा हुआ है, पैसे आ रहे हैं,
आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद खत्म, आपको अपने पिता से फायदा लेकिन आंशिक रूप से, घरेलू सुख सुविधाएं और वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। बाड़ी पे कंट्रोल कीजिएगा और अगर पार्टनर्स के साथ कुछ काम बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं आप। आपको भाग्योदयकारी संदेश है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अच्छा समय है। सूर्य शनि युति खत्म है, फिर भी अपने कागज पत्र संभाल के रखिएगा। अभी सूर्य शतभिषा नक्षत्र में जाएगा और आपको अपने कई सारे काम ऑफर होंगे, उनको देखभाल के एक्सेप्ट कीजिएगा। मीडिया से रिलेटेड काम और यश आपको मिलने वाला है। विवाहित जीवन में आपके आपको संभल के चलना है, झगड़े फसाद नहीं करने हैं, पार्टनर से फायदा होना है, हेल्थ अच्छी हो जानी है। कर्क राशि, आपके लिए अब विवाह के योग भी बन रहे हैं और आपको बिजनेस में कोई पार्टनर मिलने के भी योग है, लेकिन आपको संभल के करना है ये काम। भाग्योदयकारी संदेश आपको मिल सकते हैं और इसके साथ ही आपको लोन्स वगैरह मिलने की भी संभावना हो सकती है। आप इतना बस ध्यान में रखें कि विदेश रिलेटेड कामों में संभल के चलें। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए कि विवाहित अगर आप हैं तो उन लोगों के साथ बिजनेस करने में पार्टनर के साथ आपको फायदा होगा, आपके विवाहित पार्टनर जो हैं, और अगर कोई और पार्टनर है तो उनके साथ भी फायदा होगा। बस आपको अपने कागज पत्र संभालने और अपनी तबीयत ठीक रखनी है जब सूर्य शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और इसके साथ माइंड पे आपके मंगल गुरु केतु सब बैठे हैं तो गुस्सेबाजी और समझदारी साथ साथ में चलेगी। बच्चों का भी यही हाल रहेगा और आपको धीमे धीमे हर बात का ज्ञान होता रहेगा क्योंकि गुरु अभी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। पंचम में आपके आपकी हेल्थ जो है उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। डायबिटीज वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी इस बार आपकी और आपको बड़े अच्छे पार्टनर्स भी मिलेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए घर में सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए किसी से नहीं झगड़ना और अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना। आपके वैसे कर्मठ विचार, तापसी विचार, नए प्रिय विचार आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके बिजनेस बढ़ रहे हैं बट अच्छे लोगों के साथ बिजनेस कीजिएगा, गलत लोगों से हाथ मत मिलाइएगा। आपके विवाहित जीवन में रोमांटिसिज्म छाया है और आपको सपोर्ट मिल रहा है उनसे बहुत सारा। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब आपके जीवन में आपकी माता से फुल सपोर्ट है, आपको आपको बच्चों से भी खुशी मिलेगी और आपको लाभ भी होगा, पैसा भी आएगा। अब याद रहे आपको कि आपको विदेशी रिलेटेड यात्राओं से भी लाभ होगा और लोन्स वगैरह से रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ों में लाभ होने वाला है। परिवार के सपोर्ट से पैसा भी मिलेगा और आक्रामक स्वरूप से आप काम भी करेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब स्वस्थ है मंगल, आप काम कर रहे हैं, परिवार से सपोर्ट है, वाणी में ओझ है, आपके पराक्रम बढ़े हुए हैं, आपके काम सेटल हो जाएंगे, अच्छा दो ढाई साल बीतेगा आपको। और बुधादित्य योग घर में बनने से रेनोवेशन वगैरह, बच्चों की उन्नति, माइंड फ्रेश और अपने पार्टनर से रिलेटेड काम संभाल के कीजिएगा। बस इतनी आपको हिदायत है, पैसे संभाल के रखिएगा और हेल्थ भी संभालिएगा। धनुराशि, आपके विवाहित जीवन या काम में आपको ध्यान से चलना है, बुध वक्री हो रहे हैं, आप आक्रामक स्वरूप से काम करने की सोच रहे हैं, परिवार का साथ है, वाणी को कंट्रोल में करके रखें और घरेलू सुख सुविधा साज सज्जा में आप पैसे खर्च करेंगे। आपको अगर पार्टनर शादी के लिए चाहिए तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, अभी फिलहाल धन लाभ आपको होता रहेगा। मकर राशि, लग्न में शनि अब आपको सुख सुविधाओं से भरपूर पर्सनालिटी में आपके निखार, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कामों में अब आपको फायदा देगा। आप सूर्य निकल चुका है और जो बुधादित्य योग बना हुआ था बना हुआ है आपके द्वितीय स्थान में, वाणी में ओझ लाएगा, छिटपुट पैसे आ सकते हैं। अभी परिवार से फुल सपोर्ट नहीं है, हाँ आपकी तबीयत अब ठीक हो सकती है, हड्डी आंखें स्कल दांत वगैरह से रिलेटेड परेशानी खत्म। आपको झगड़ालू वृत्ति से बचना चाहिए और विदेश रिलेटेड काम आपके बनेंगे। यात्राओं में लाभ होगा और छोटे भाई बहनों से भी लाभ होगा, आप कर सकते हैं सुखद विलासितापूर्ण यात्राएं। कुंभ राशि, आपका मनोबल बढ़ेगा लेकिन आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें क्योंकि आपको थोड़ी बहुत सरकारी दरबारी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, कागज़ों की सरकारी, अगर आप नेता अभिनेता हैं तो थोड़ा संभल के चलिए
और अभी धन लाभ वगैरह हो रहा है, आपको विदेश से रिलेटेड भी काम बन रहे हैं आपके, और आपके खर्चे भी हो रहे हैं उसमें, आपको परिवार से फुल सपोर्ट है, पैसे आ रहे हैं, तो इन सब को संभाल के रखिए। हाँ, व्यसनों में मत पड़िएगा, ना बच्चे ना आप। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब आपकी स्थिति पहले से बेटर। आप अपने जो प्रेम संबंधों में गलत चल रहे थे, तो अब आप बेहतर सोच पाएंगे, आपके पैसे भी खुले, लेकिन पैसे गलत जगह खर्च ना हो जाएं। विदेश रिलेटेड यात्राओं में सावधान, और घरेलू सुख सुविधाओं में आपने ज़्यादा खर्चा किया है। प्रॉपर्टीज़ वगैरह से रिलेटेड जो काम थे वो अब आपके बन रहे हैं, भाग्योदयकारी संधि से आपको मिल रहे हैं। मैं कामिनी खन्ना प्रभा साक्षी पर बता रही थी 15 दिन का ब्यौरा एस्ट्रोलॉजिकली, आपको मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य भी बताया। फिर मिलूंगी इसी तरह प्रभा साक्षी पर अगली बार, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।